हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। बिना टाइम वेस्ट किए यार सीधा टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देखा, ये वीडियो उसी बारे में है कैसे आप इंस्टाग्राम के लिए ट्रेंडी वीडियोस और थोड़ी इंटरेस्टिंग फनी वीडियोस बना सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने थोड़े दिन पहले, लाइक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इंस्टाग्राम पे, लॉकडाउन की कहानी। और अगर आपने नहीं देखी, लगता है आपने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, एक और बार देख लो। जिसने नहीं देखी है उसके लिए मैं प्ले करता हूँ। भगवान, सुबह से कंप्यूटर के सामने बैठे हो, कर क्या रहे हो तुम सुबह से? अरे मम्मी यार, क्या है? अब ना मार खा जाओगे, खड़े हो, खड़ा हो और पूरे घर की, पहले तो कमरा ठीक करो और पूरे घर की आज झाड़ू पोछा करो। अभी नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा, मेरे को वीडियो एडिटिंग करनी है। बताओ मैं तुम्हें फिर क्या मम्मी नहीं कर रहा, खड़े हो रहे हो कि नहीं? करना हूँ झाड़ू पोछा। तो ये थी वो वीडियो जो मैंने बनाई थी इंस्टाग्राम के लिए और लिटरली अच्छी गई। मतलब मैंने इतनी छोटी वीडियोस नहीं बनाई, लाइक शूटिंग करने में मुझे एक 4 घंटे लग गए। पता नहीं आपको कितने लगते होंगे, बट मुझे 4 घंटे लग गए थे। और मतलब इस वीडियो में कुछ ऐसा था भी नहीं, मैंने कुछ ऐसा स्क्रिप्ट राइटिंग करी भी नहीं थी कि मैं पूरा YouTube के लिए जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ और बनाता हूँ वीडियो स्क्रिप्ट लिख के, तो वैसे कुछ नहीं था। नॉर्मल एक दिमाग में आया कि एक एडिटिंग, कुछ एक बढ़िया एडिटिंग करनी है एक वीडियो में, और बस कर दिया। तो इस वीडियो के मैं थोड़े बहुत टिप्स देने वाला हूँ, ऐसे वीडियोज़ आप कैसे बना सकते हो इंस्टाग्राम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो इन सब वीडियोस में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, शूटिंग प्लॉट और एडिटिंग। तो शूटिंग तो आपको पता ही है क्या, मतलब कैसे आप शूट कर रहे हो वीडियो को, कैसे आप डायरेक्ट कर रहे हो वीडियो को। और दूसरी बात है प्लॉट, आपकी वीडियो में होगी क्या, आपकी वीडियो, जैसे मेरी वीडियो में प्लॉट क्या था कि एक कैरेक्टर होगा, वो बेलन फेंकेगा और मैं कैच कर लूँगा, दैट्स द बेसिक प्लॉट, ठीक है, समझ रहे हो? अब उसमें जो मैंने डायलॉग्स डाले हैं और मतलब किस तरह मैंने रिकॉर्ड किया है, वो सब सारी चीज़ें शूटिंग में आती है, एडिटिंग में आती है, और बस यही चीज़ें हैं। तो सबसे पहले चलते हैं शूटिंग पर, मैंने इसको शूट कैसे किया। तो मम्मी आई, मैंने मम्मी को बोला कि आप आना, दरवाज़ा खोलना, और दरवाज़ा खोल के जब आप आओगे आपको मुझे डांटना है, क्योंकि ऑफकोर्स इस लॉकडाउन में मम्मी बहुत डांटती हैं। मतलब ऐसा माहौल बना है ना अभी, तो फिर सबसे पहली बात तो माहौल देख के वीडियो बनाओ। जैसा वीडियो अभी चल रही है, जैसी वीडियोस लोगों को भी पसंद आ रही हैं, जो माहौल अभी चल रहा है उसके हिसाब से वीडियो बनाओगे तो ऑफकोर्स वो बहुत ही अच्छी जाएगी। तो मैंने उसको ध्यान रखते हुए, लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा बनाया। मैंने लॉकडाउन के ऊपर एक और वो ऑनलाइन क्लासेस वाली वीडियो बनाई थी, वो भी अच्छी चली थी, बिकॉज मैंने सिनेरियोस को देखते हुए वीडियो बनाई। तो आपको भी सिनेरियोस को देखते हुए वीडियो बनानी चाहिए। सबसे पहले जो मैं शूटिंग की बात कर रहा था, शूटिंग इसमें क्या थी, मम्मी जब आई और मुझे डांटा। अब जब बेलन मारने वाला सीन है, इसमें मैंने बेलन जब मम्मी फेंक रही थी, जो बेलन का जो मोशन था उसको मैंने कैमरा से मैच करने की ट्राई की, जो ऐसे, मतलब मैंने ट्राईपॉड पे सेट किया था फ़ोन, तो मैंने ट्राईपॉड, जैसे मम्मी ने बेलन फेंका मैं ट्राईपॉड वैसे घुमा रहा था, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने मम्मी को बोला उसके पेस के हिसाब से बेलन को फेंकना, ताकि मैं भी उसको मैच कर सकूं। और मतलब यही प्लॉट था मेरा, यही आइडिया था कि मैं इसको मैच कर सकूं। और मैच करना बिल्कुल आसान नहीं है ट्राईपॉड पे, ट्राईपॉड कभी कभी हिल जाता है, कभी कभी बेलन पहले चला जाता है, आपका कैमरा वहीं रह जाता है। तो मैं एक और आपको टिप देना चाहूँगा, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शूट करो।
ज़्यादा से ज़्यादा जब आप शूट करोगे तब आपके पास ज़्यादा चीज़ें रहेंगी एडिटिंग के वक्त चूज़ करने के लिए। जैसे आपने सिर्फ एक चीज़ शूट करी और आपको फ़ोन पे वो बहुत ही अच्छी दिख रही है कि हाँ भाई फ़ोन पे या कैमरा पे आपको बहुत सही दिख रही है, अब बढ़िया सीन यार मेरा कैमरा सब कुछ अलाइंड है वो सब। एडिटिंग में जब आप कंप्यूटर पर लाते हो ऑन अ बिगर स्क्रीन आपको लगता है कि भाई यहाँ तो मैंने अटकाया हुआ है, यहाँ तो अटक रही है चीज़, यहाँ पर मतलब वो आइडिया आपका नहीं रहता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शूट करा करो ताकि जब आप एडिटिंग के वक्त बैठो तो आपको ज़्यादा चीज़ें हो आपके पास। मैंने भी कम से कम 10 बार तो रीटेक्स लिए होंगे इस चीज़ के। और इस वीडियो में 2-3 और चीज़ें थी शूट मैंने किया था, वो मैं नहीं डाला इस वीडियो में बिकॉज़ यार थोड़ा वो मतलब इंस्टाग्राम के लिए इतना अच्छा नहीं था वो, तो मैंने उन चीज़ों को हटा दी। इसलिए ही मैंने ज़्यादा शूट किया और जो मुझे एडिटिंग के वक्त अच्छा नहीं लग रहा था मैंने वो काट दिया। अब हम चलते हैं एडिटिंग पे, इस वीडियो की एडिटिंग कैसे हुई है। देखो यार एडिटिंग में मुझे 4 घंटे लग गए, अब आपका पता नहीं है मुझे कितना लगता है आपको। तो एडिटिंग हुई है इसकी एडोब प्रीमियर प्रो सीसी में। अगर आपके पास एडोब नहीं है तो कोई भी सॉफ्टवेयर पे ये एडिटिंग हो ही जाएगी। बस इस एडिटिंग के 4 टेक्निक्स है, मास्क से होता है ये एडिट और नॉर्मल कट से होता है ये एडिट, बट नॉर्मल कट विद मोशन ब्लर से होता है एंड और बस इतना ही है ठीक है। और एक और है जिसमें ना ही बहुत स्लोली विद बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा फिल्मिक उसमें चल जाता है, बट मैंने वो नहीं किया बिकॉज उतने इक्विपमेंट नहीं है मेरे पास वो चीज़ करने के लिए और उतना मेरे को टाइम भी नहीं था ये सब करने का। तो मैंने नॉर्मल कट विद मोशन ब्लर लिया है। मोशन ब्लर डालना अगर आपको आता है एडोब में तो बहुत ही बढ़िया, पर मैं अभी यहाँ पर मोशन ब्लर नहीं बताऊँगा बिकॉज मोशन ब्लर में लाइक पूरा वो आ जाता है जिसमें आप प्रीसेट में से इफ़ेक्ट से आप डालते हो और उसमें मोशन ब्लर के डिग्री विग्री चेंज करते हो, तो उस पर नहीं जाते हैं। मैं आपको नॉर्मल कट बताता हूँ जैसे मैं जिससे एडिट बहुत ही आराम से हो जाती है। तो ठीक है चलते हैं एडोब में। या तो जब आप प्रीमियर में आ जाओ सबसे पहले तो अपनी दोनों क्लिप्स को इंपोर्ट कर लो ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपनी दोनों क्लिप्स इंपोर्ट कर लिए ठीक है। अब सबसे पहले तो इस वाले क्लिप को आप सीक्वेंस में डाल लो। तो अब जैसे ये हो रहा है अब यहाँ पर हाल पे जैसे अब मुझे चाहिए कि अपना दूसरा बंदा अब एक्ट करे, तो इसमें दूसरे बंदे को आपको लाना पड़ेगा। तो ये सब तो आपका वो है आपका क्रिएटिविटी है कि आपको अपने डायलॉग्स कैसे लाने हैं। मैं सीधा ले चलता हूँ आपको वो बेलन का जो कैच है उसमें है असली एडिटिंग, वो आपको दिखा देता हूँ। तो हम सीधा बेलन वाले पे ले चलते हैं आपको। ये इसको हटा देते हैं कंट्रोल जी करके। यहाँ मम्मी ने बेलन फेंका है तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट एंड यहाँ मम्मी ने बेलन फेंका और आप देख सकते हो बेलन का जो मोशन होगा वो मेरे कैमरा से लगभग मैच्ड है। ये मम्मी ने फेंका, मम्मी बहुत गुस्से में है वाह, और ये फेंका और देखो मेरा कैमरा भी घूम रहा है। अब थोड़ा बहुत बेलन चला गया है फ्रेम से ये देखो, पर लास्ट में ऑफ कोर्स वो आ ही जाता है ये देखो। अब लाइक फॉर 2 frames बस 2 frame के लिए वो फ्रेम से बाहर चला गया था, बाकी देखो मैंने ट्राई किया कि वो आ जाए मेरे साथ में। तो अब मुझे ठीक यहाँ पर जब बेलन बस जा ही रहा होगा यहाँ पर ये यहाँ पर बेलन जब जा ही रहा होगा वहाँ पर मुझे कट लगा देना है ठीक है एंड देन वी करके इसको डिलीट कर देना है। दिस इज़ द बेसिक एडिटिंग जो आप कर सकते हो ऐसी वीडियो के लिए। तो यहाँ पर ये एंड देन यहाँ पर ओ भाई ये आप देखोगे ना कितनी बार मैंने कैच किया ये देखो
अभी दिखा दो, ये मेरा कैच वाला है, ये ऐसे ऐसे करना होता है, ऐसे रिकॉर्ड करना होता है और उसके बाद उसको कट करना होता है उस टाइम पर। हाँ देखो ऐसे, तो मैंने एक बार इसको कैच किया है कुछ इस तरह, तो मुझे ऐसी जगह से इसको लेना है ये। मैं तो अब मुझे, मैंने बेलन को कहाँ पर कट किया था, जहाँ पर मोशन था, मतलब वो बस लगने ही वाला था बेड पर, और मैं अब मुझे कट टू जब मैंने कैच किया, तो बस यहाँ से हम कट करेंगे, इसको हम ले लेंगे यहाँ पर नॉर्मली। तो अब आप देखो कैसा ट्रांजिशन बनता है, देखा नॉर्मल कट, ज़्यादा कुछ नहीं है, मुझे अभी थोड़ा सा चॉपी लग रहा है, तो फिर मैं इसको और मोशन में लाता हूँ, रुको। तो मुझे अब कट पहले ही कर देना है, ये मैं इसको कट कर देता हूँ। तो एक मिनट, यहाँ पर मैंने बेलन फेंका एंड यहाँ पर, मतलब ये पूरा कट अच्छा ही हो रखा है। अब देखो पूरा वीडियो अब देखना अच्छे से, ये देखो, देखा सीमलेस, कुछ भी नहीं है वीडियो में और बस बन गई। कितना आसान था, ऐसे ही आपने देखा, और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यार, जितना आप चीज़ को कॉम्प्लिकेट करोगे उतना ही आपके लिए मुश्किल होगा। या कॉम्प्लिकेशंस में बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, जैसे आपने मेरे में देखा होगा कि जब बेलन आ रहा होता था, जब मेरी वाली क्लिप है उसमें भी लग रहा था कि आ रहा है बेलन, सही में कैच कर रहा है, वो था मोशन ब्लर। मोशन ब्लर से क्या होता है, जैसे बेलन का मोशन ब्लर दूसरे क्लिप में भी पहुँच जाता है, और दैट्स समथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप मुझे बोलोगे कि भाई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बनाओ, तो ऑफ कोर्स मैं कॉम्प्लिकेटेड एडिटिंग करूँगा, बट कुछ ऐसी चीज़ें बाद में ज़रूर एक बनाऊँगा जिसमें कॉम्प्लिकेटेड एडिटिंग ज़रूर मैं आपको दिखाऊँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। एडिटिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई आपने शेयर करी दी होगी, अब तक लाइक करी दी होगी, यहाँ तक देख लिया प्लीज़ लाइक करे बिना मत जाना, बाय।